हेलो बच्चों, नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज हम टॉपिक फ्रस्टम पढ़ने वाले हैं वो, लेकिन इसमें एक समस्या ये है कि इस साल शायद ये नहीं आएगा, लेकिन मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे चेंज कर रहे हैं, तो मैं जानबूझ के एक टॉपिक करवा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। और नेक्स्ट ईयर से तो आएगा ही, बाकी इस साल वाले बच्चों के लिए ये दिखाया गया था कि नहीं आएगा, लेकिन मैं जानबूझ के करवा रहा हूँ ऐसा, इसलिए क्योंकि देख रहा हूँ कई टॉपिक ऐसे हैं जो बोला गया है कि नहीं आएंगे, लेकिन अब देखा जा रहा है कि वो आ रहे हैं, इस वजह से कराना पड़ रहा है वो, ठीक है। चलिए, तो अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, जैसे ये कौन है बच्चों, ये कौन है, ठीक है। अगर कौन को यहां से कट कर दिया जाए तो ये कुछ ऐसी फिगर बना देगा, ठीक है। यानी इसको अगर मैं काट के बाहर निकाल लूं तो ये कुछ ऐसी फिगर बना के दिखाएगा मुझे, ऐसी फिगर, ठीक है। अगर मैं इसको पैरेलल काट दूं तो ऐसी फिगर बना के दिखाएगा, यानी एक बड़ा सर्कल होगा, एक छोटा सर्कल होगा, ठीक है, जिसको हम लोग बड़ा आर, छोटा आर और इसकी हाइट एच, इसकी स्लांट हाइट एल, इन सब चीजों से डिनोट करेंगे। जैसे बाल्टी, ग्लास, ठीक है, स्टील का ग्लास, ये सब इसी शेप में होते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसी के ऊपर काम करेंगे, जिसे हम कहेंगे फ्रस्टम। क्या कहेंगे? फ्रस्टम, हिंदी में छिन्नक, ठीक है। चलिए, तो इसके पहले कुछ फॉर्मूले। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम तो होता है 1/3 पाई एच बड़े आर का स्क्वायर प्लस छोटे आर का स्क्वायर प्लस आर, छोटा आर बड़ा आर, ठीक है, छिन्नक का आयतन। अगला है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, ठीक है। छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो क्या होगा इसका? होगा पाई एल आर प्लस आर, ठीक है, पाई एल प्लस आर प्लस आर। अब अगर आता है टोटल कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, कुल या संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो क्या होगा? ये तो होएगा ही पाई एल आर प्लस आर, और साथ में ये होगा पाई पाई आर का स्क्वायर प्लस छोटे आर का स्क्वायर, ये भी होगा, ठीक है। नाउ अब बात आती है एल कैसे निकलेगा। तो एल निकालने का फॉर्मूला है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर बड़ा आर माइनस छोटा आर का स्क्वायर, ठीक है, एच स्क्वायर प्लस बड़ा आर माइनस छोटे आर का स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला नोट कर लो, फिर क्वेश्चन करवाता हूँ इससे रिलेटेड। चलिए बच्चों, देखेंगे अब सबसे पहले निकालेंगे एग्जाम्पल नंबर 13, हनुमप्पा वाला। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत प्यारा, मुझे बहुत अच्छा लगा ये क्वेश्चन, क्योंकि इसमें ना ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो जाता है। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हनुमप्पा और उसकी वाइफ गंगम्मा जो है भाई, वो एक जैगरी बनाते हैं, जिसमें यानी कि एक बर्तन बनाते हैं जिसमें शुगर केन का जूस आता है, गन्ने का जूस आता है। दे प्रोसेस भाई, वो शुगर केन का जूस निकालते हैं, मेक द मोलेसिस और जो भी यानी गुड़ गुड़ बनाते हैं, विच इज पॉर्ड इन टू द मोल्ड इन द शेप ऑफ फ्रस्टम, अ कोन हैविंग डायमीटर टू सर्कल फेसिस 30 सेंटीमीटर
और 35 सेंटीमीटर, ठीक है जी। और वर्टिकल हाइट ऑफ द मोल्ड मतलब बर्तन का जो भी है वो कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो कह रहा बताओ इसके अंदर कितना आ जाएगा अगर मास 1.2 ग्राम है, ईच सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 1.2 ग्राम के बराबर है, तो बताओ कितने किलो इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है जी। मान लीजिए जो बर्तन है मॉड्यूल है, ठीक है, मोल्ड है, ये लो, इसका रेडियस है डायमीटर 30 सेंटीमीटर, इसका है 35 सेंटीमीटर, इसकी हाइट है 14 सेंटीमीटर, तो बताओ इसमें कितना आ जाएगा और कितने वजन का आएगा। तो भाई ठीक है, चलो पहले तो ये देखो, डायमीटर ऑफ लार्जर, क्या लिखा हुआ है, सर्कल लिखा हुआ है, देखिए जरा। लार्जर सर्कल, तो भाई जो इसका लार्जर सर्कल है उसका डायमीटर है 35 सेंटीमीटर, ठीक है, बड़े वृत्त का व्यास इतना, तो रेडियस कितना होगा इसका, रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल कितना होगा भाई, 35/2 सेंटीमीटर, ठीक है, बड़े वृत्त की त्रिज्या, ठीक। उसके बाद डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल तो कितना, 30 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। अगला फिर, यानी क्या, छोटे छोटे वृत्त का व्यास, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, तो यानी कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 15, तो छोटे वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, तो ये आर हो जाएगा, ये बड़ा आर हो जाएगा, ठीक है। नाउ हाइट ऑफ फ्रस्टम, छिन्न क्यू चाहिए कितनी है भाई, 14 सेंटीमीटर, फ्रस्टम माउल्ड 14 सेंटीमीटर, छिन्नक बर्तन की ऊंचाई तो इतनी हो जाएगी, ठीक है। अब निकालो वॉल्यूम ऑफ माउल्ड माउल्ड, ठीक है, छिन्नक का आयतन तो क्या होगा, 1/3 πh r² + r² + rr, तो 1/3 π कितना है, 22/7, एच कितना है 14, बड़ा आर कितना है 35/2 का स्क्वायर, ये कितना है 15 का स्क्वायर, ये कितना है 35/2 × 15, तो ये 3 से तो कुछ नहीं कटेगा, 7 से कट जाएगा 2, ये आ जाएगा 44/3, 35 का 25 और ये 20, नहीं 3 चौके 12, 4 15 225 प्लस, अरे 15 75 रह गया, 7 15 45 और 7 52/2, कुछ नहीं आएगा, तो 44/3 एलसीएम आ गया 4, तो ये तो इतना ही आ जाएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 और 100 900, इसको कटेंगे 2 225 तो कितना आ जाएगा भाई, 1050 है ना, 1050। चलो 44 × 3 ऐड करो 5, ठीक है, फिर 7, ठीक है, फिर 9 2 11 1, फिर 3/4, ठीक है, 4 से कट जाएगा 11, 3 से कटेगा, 3 1 3 0, 5 2 नहीं कट रहा भाई, 3 से ये कटना चाहिए था यार, नहीं कट रहा, चलो फिर छोड़ो, 11 5 55, 11 7 77 और 5 कितना हो गया, 82 का 2 रह गया 8, 11 कम 11 और 8 19, 1,
ग्यारह तीन 33 और एक 34/3, काट दो। एक एक 6 बारी में, एक 4 बारी में, एक ठीक है, दो छः छः, इतने सेंटीमीटर क्यूब। सही बात है, इतने सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो अगर इसको मैं ऐसे भी लिख दूं तो 1164 1.1, इसको दे दो 7 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये आ गया वॉल्यूम। नाउ अब निकालना है वेट। अब हमें क्या निकालना है, नाउ 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1.2 ग्राम। तो 1164 1.7 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1164 1.7 × 1.2, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो मल्टीप्लाई करके आएगा 13, यानी मल्टीप्लाई कर दोगे तो करो ना, 12 सत्ते 84 का 4 रह गया 8, ठीक है। फिर 12 एकम 12 और 8 20, 0 गया 2, 12 चौक 48 और 2 50 रह गया 5, 12 छीक 72 और 5 77 का 7 रह गया 7, 12 एकम 12 7 19 रह गया 1, और 12 एकम 12 और 1, 12 एकम 12 और 1 13, ठीक है। और पॉइंट कितने के बाद है, 3 के बाद, 3 के बाद पॉइंट है। अब क्या करना भाई, सॉरी 3 के बाद नहीं, 2 के बाद पॉइंट है ना, 1 और 2, 2 के बाद पॉइंट है। ये इतने ग्राम हो गया, अब इसको क्या करना भाई, किलोग्राम में बदलना है। तो 1937 0.04, इसको 1000 से डिवाइड कर दो तो किलोग्राम में आ जाएगा। तो 3 शिफ्ट कर दो, 13.97 किलो, और 13.97 लगभग लगभग 14 kg होता है अप्रोक्स, ठीक है। तो लगभग लगभग कितना भाई, 14 किलो उसके अंदर शुगर केन का जूस आ जाएगा, ठीक है। करो इसे, बहुत सिंपल सा था। देखो बच्चों, ये हो गया, अब देखिए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 14 देखो, एग्जाम्पल नंबर 14, कह रहा है कि एक बाल्टी है जो फ्रस्टम के शेप में है। लो जी, ये रही बाल्टी, ये बाल्टी है। अब कह रहा है जो एक होलो सिलेंडर के ऊपर खड़ा है, ठीक है जी, ये रहा होलो सिलेंडर, और कह रहा है कि सेम मेटलिक सीट का बना हुआ है, द डायमीटर ऑफ द टू सर्कुलर एंड, हाँ भाई डायमीटर, इस वाले का डायमीटर 45 सेंटीमीटर है और इस वाले का डायमीटर 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। और जो इसकी हाइट है वो 40 सेंटीमीटर है, और जो सिलिंड्रिकल बेस है, इसकी हाइट 6 सेंटीमीटर है,
ठीक है। तो चलिए बताओ भाई कि इसके अंदर कितना पानी आ सकता है, ठीक है, और इसको बनाने में कितना मेटलिक सीट लगा है, मतलब हमें इसमें कितना मेटल यूज हुआ, एक तो ये लगाना है, प्लस इसमें कितना पानी आ सकता है ये निकालना, मतलब वॉल्यूम में निकालना है और सरफेस एरिया भी निकालना है, ठीक है। चलो ये देखो, सबसे पहले डायामीटर ऑफ लार्जर सर्कल ऑफ बकेट 45 सेंटीमीटर, बाल्टी के बड़े वृत्त का व्यास इतना, रेडियस ऑफ लार्जर सर्किट ऑफ बकेट तो 45/2 सेंटीमीटर, ठीक है, बाल्टी के बड़े वृत्त की त्रिज्या, तो ये आ गया बड़ा आर, ठीक है। अगला डायामीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल ऑफ बकेट तो कितना भाई, 40, ये 25 सेंटीमीटर, बाल्टी के छोटे वृत्त की वृत्त का व्यास, तो ये आ गया। हाँ जी, अगला आता है रेडियस, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल ऑफ बकेट तो 25/2 सेंटीमीटर, बाल्टी के छोटे वृत्त की त्रिज्या, तो ये आ गया छोटा आर। अगला हाइट ऑफ बकेट, बड़ा एच 40 सेंटीमीटर, बाल्टी की ऊंचाई, ठीक है। अगला हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल बेस, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल बेस 6 सेंटीमीटर, बेलनाकार बेलनाकार आधार की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला क्या करना भाई, निकालो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ बकेट, तो पहले वॉल्यूम ऑफ बकेट निकालेंगे, बाल्टी का आयतन तो क्या है, 1/3 पाई बड़े आर का स्क्वायर प्लस छोटे आर का स्क्वायर प्लस बड़ा आर छोटा आर, 1/3 22/7, बड़ा आर कितना है 45/2 का स्क्वायर, 25/2 का स्क्वायर प्लस 45/2, 25/2 निकालो, 1/3 22/7, 45 का 25 और 20/4, 25 और ये 6 4 और प्लस 25 बन जाए, 125 का 5 रह गया 12, जो कि 100 और 12 112, और ये 4/3 22/7 गुने ये नीचे सेम है 4, 2025, 625, 1125, 1/3 22/7 गुना ऐड करो 2000, 1600, 3600, ठीक है, और 700, 3775 ये आ गया, ठीक है, 2000, 1000, 3600, 3600 और ये 100, 3700 और 3775/4 काटेंगे 2 काटेंगे 11, ठीक है, 3 से काटेंगे कट जाएगा, 1 2 नहीं 7 से काटेंगे नहीं कट रहा, आप किसी से नहीं कटेगा, तो 11 5 55, 11 7 77 का 77 और 5 82 का 2 रह गया 8, 77 और 8 कितना हो गया 85 के 5 रह गया 8, 11 33 और 8 41/7, 21 दुनी 7, 21 दुनी 42, तो ये है बच्चों, ठीक है।
ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे, अब इसको डिवाइड करेंगे 41, 525 डिवाइड बाय 42, है ना, तो ये आएगा 1 मिनट, 1 मिनट भाई, एच तो लिया ही नहीं हमने इसमें, कितना 40, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट बच्चे, गड़बड़ हो गई। ये कह रहा टोटल हाइट है 40, टोटल हाइट है 40 सेंटीमीटर, जिसमें से 6 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, तो ये कितना बचा, 34 बचा ना। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे बकेट की 34, बाकी ये ऐसे करना, गड़बड़ कर दी फिर से। यहाँ पे आएगा 34, यहाँ पर आएगा 34, यहाँ पर भी आएगा 34, क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर दी मैंने, यहाँ पर भी आएगा 34, ये 2 से कटेगा, ये आएगा 17, ठीक है, तो 1100 ये और 17, अब 17 से करना इसको, ठीक है 17 से करो, 17 पंजे 85, ठीक है 17 पंजे 85, हाँ 17 पंजे 85 का 5 रह गया 8, 17 दूनी 34 और 8, 42 का 2 रह गया 4, 17 पंजे 85 और 4 89, 8 17 रह गया 17 और 8, 25 का 5 रह गया 2, ठीक है, और 17 चौक 68 और 2 70 बटा 21, ठीक है अब देखते हैं। हाँ भाई 70, 59 और 25 डिवाइड बाय 21, अब आ गया ना आंसर, कितना आ गया, 3,3,6,15.48 सेंटीमीटर क्यूब, इतना हो गया। अब इसने क्या बोला है, अब इसने बोला है कि बताओ कितने लीटर इसके अंदर पानी आएगा, ठीक है कितने, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द, बस इतना ही पूछे, लीटर वीटर तो कुछ पूछे नहीं भाई, ठीक है कुछ नहीं पूछा, और फिर भी अगर पूछ भी ले लीटर में तो कोई दिक्कत नहीं है, एक काम करो क्या करोगे, इसको 1000 से डिवाइड कर दो तो वो लीटर हो जाएगा, तो 3 और आ जाएगा 33.6 लीटर, यानी 33.6 लीटर, ठीक है 33.6 लीटर क्या आ जाएगा भाई, इसके अंदर पानी आ जाएगा, ठीक है यहां तक नोट करो, फिर इसका सरफेस एरिया बताता हूं मैं आपको, यहां तक नोट करो पहले, ठीक है ठीक है जी। चलो अब ये हो गया वॉल्यूम, हो गया वॉल्यूम तो कर लिया होगा, अब अगला देखो, इसी में आता है मेटलिक सीट, हमारा फर्स्ट टर्म खत्म हो जाएगा, ठीक है फर्स्ट टर्म, ठीक है हाँ जी, तो अब ये देखो, अब क्या बोला उसने, हमें इसका निकालना है इसका आंसर, तो देखो भाई सरफेस एरिया है, तो एक तो आप इसको निकाल सकते हो, बाल्टी के चारों तरफ करो सरफेस एरिया,
प्लस नीचे के बेस का, और ये सर्कल को भी तो टच कर सकते हो बच्चों, पानी तो इस पे भी टिकेगा ना, ठीक है? ऊपर वाला नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि पानी इसी में डालोगे, लेकिन आके टिकेगा तो पानी यहीं पे, तो इसलिए इसको हम टच कर सकते हैं। तो देखो हम नहीं करेंगे भाई, क्या एरिया ऑफ मेटलिक सीट, मेटलिक सीट धात्विक का क्षेत्रफल, ठीक है भाई? तो क्या निकलेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम बेस ऑफ बकेट, ठीक है, प्लस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ बेस ऑफ बकेट। हिंदी वाले, छिन्नक का वक्र पे क्षेत्रफल प्लस बाल्टी के आधार का क्षेत्रफल प्लस प्लस बाल्टी आधार का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो क्या हो गया भाई इसका, 1/3, नहीं 1/3 नहीं, पाई एल बड़ा आर प्लस छोटा आर, ठीक है, बड़ा आर प्लस छोटा आर, ठीक है, और प्लस इसका क्या होगा, नीचे वाले बेस का पाई छोटे आर का स्क्वायर, इसका सिलेंडर का, हाँ भाई, पाई छोटे आर का स्क्वायर छोटा एच, ठीक है, छोटे आर का स्क्वायर छोटा एच, ठीक। सबसे पहले एल की वैल्यू निकाल लो नाउ। हाँ जी, एल इज इक्वल बड़ा आर माइनस छोटे आर का स्क्वायर निकलेगा, एच का स्क्वायर, एच कितना है ये, सॉरी यहां तो बड़ा वाला एच आएगा ना, हाँ तो कितना है भाई, 34 का स्क्वायर, और बड़ा आर कितना है, 45/2 माइनस 25/2, पर कितना होता है 16, ठीक है, और 4 रहेगा, 2 3 3 9 2 11, ठीक है, और प्लस ये कितना हो जाएगा भाई, नीचे दो 25 में, 45 में 25 गया 0, और 2/2 का स्क्वायर कट गया 10। तो बच्चों 1156 प्लस 10 का स्क्वायर 100, ऐड कर दोगे 1256, 1256, ठीक है, अब 1256 किसी का स्क्वायर रूट तो होता नहीं, तो निकालो जरा बाहर इसको 1256 को, ठीक है, 2 डेसिमल तक भी ले लेना। तो भाई 12 किससे, 3 से, 3 का स्क्वायर 9, 3 ऐड करोगे 6, 12 में से 9 गया 3, 56, और अब कितनी बारी में जाएगा, लगभग 5 बारी में चला जाएगा, हाँ 5 बारी में नहीं जाएगा यार, चला जाना चाहिए, 55/25, 55/25 रह गया 2 5 6 30 और 2 32, हाँ चला गया, तो ये आ जाएगा 70, ये उतरेगा 1, ये उतरेगा 3, ये उतरेगा डबल जोड़ा, हाँ भाई, तो कितनी बारी में जाना चाहिए, 7 चौक 28, 4 बारी में जाना चाहिए, तो भाई ये कितना बारी में आएगा, 4 चौक 16, ठीक है, और 7 चौक 28, बस इतना आ गया, ये आ जाएगा 708, इसमें से नीचे, हाँ जी 4, 9 में से 1 गया 8, और 10 में से 8 गया 2, डबल 0 उतरेगा 28, 7 चौक 28, फिर से 4, तो इसका मतलब आएगा एल बराबर 35.44 सेंटीमीटर, इतना आ गया भाई, एल आ गया 35.44 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें मेटलिक सीट का एरिया निकालना है नाउ, तो मेटलिक सीट का एरिया कैसे निकलेगा नाउ, अब एक काम करना बच्चों, एक काम करना सुनो, इसके बाद ना पहले ये करना,
इस वाले को इसके बाद करना, इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे प्रोसेस को यहां पे करना आप लोग, यहां पे, ठीक है, यहां पे करना। तो मैं यहीं से शुरू कर रहा हूं। हाँ जी, तो पाई, पाई तो कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बच गया, एल आर प्लस आर, पाई तो कॉमन आ चुका है, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एच, तो ये आ जाएगा, पाई तो आएगा 22/7, एल 35.44, बड़ा आर प्लस छोटा आर 45/2, 25/2, और ये 25/2 का स्क्वायर, ये 25/2 का स्क्वायर, और एच, एच किसका है, उसका बेस का, तो इसका 6, ठीक है। ठीक है, 35.44 अरबा 5/70, 70/2, 625/4, ठीक है, प्लस 625/4 गुने में 6, ठीक है, काट दोगे 2 और ये आ जाएगा 3। अब यहाँ पे तो ये आएगा 22/7, 35.44 गुने में 70/2 है ना, इसको इससे काटोगे बच्चों 35 आएगा यहाँ पे, तो गुने में 35 प्लस, हाँ जी 4 से इसको काट दो, 4 एकम 4, ठीक है, 2 उसको दिया, 4 पंजे 20, 2 उसको दिया, 4 6 24, और ये 2 और ये 5, 156.25, फिर 2 से इसको, या 625, 3/2 का मतलब होता है 1.5, ये हो गया भाई। तो 22/7 मल्टीप्लाई करना शुरू करो, मल्टीप्लाई करोगे 35.44, 35.44 मल्टीप्लाई बाय 35, तो आ गया 1240.4, 1256.25, प्लस 625 को 1.5 से कर दो, 625 को गुना कर दो 1.5 से, तो आ जाएगा 937.5, 937.5। अब इसमें सबको ऐड कर दो, 2207 ऐड करो तीनों को, तो कितना आ जाएगा, इसमें ऐड करते चलो, ऐड 1240.4 प्लस 156.25, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो रही है, इसका पाई आर स्क्वायर एच नहीं होता, इसका होता 2 पाई आर एच, है ना, यहाँ फॉर्मूला गलत अप्लाई कर दिया बच्चों, 2 पाई आर एच होता है इसका, ठीक है, तो पाई कॉमन लोगे तो 2 आर एच बचेगा, है ना, 2 आर एच यानी कि 2 आर, 25/2 और एच 6, 2 से 2 कट गया, 25 छिके 150 बचेगा यहाँ पे, 25 छिके 150, यहाँ पे आएगा 150, 150। अब करो ऐड, ठीक है, क्या है, 1240.4 प्लस 156.25 प्लस 150, तो आ गया 1546, 1546 कितना है 65, ठीक है, इसको 22 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय 22, तो आ जाएगा 34026, 34026.3/7, और इसको डिवाइड कर दोगे 7 से, तो आ जाएगा 4860.9 सेंटी, 4860.9 सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर है बच्चों, ठीक है, कर लो। ठीक, इसी के साथ फर्स्ट टर्म खत्म, ठीक, इसी के साथ फर्स्ट टर्म खत्म। आप फर्स्ट टर्म पूरा टॉपिक कर सकते हैं, क्योंकि जितनी भी चीजें थी इसमें कैसे कैसे क्या क्या चीजें निकलती हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी है, फर्स्ट टर्म खत्म हो गया, और हो सकता है आपके एग्जाम में ये आ जाए, ठीक है, क्योंकि
जैसा मैंने देखा अभी 11th में भी हुआ, 12th वाले में भी हुआ, तो आप लोगों में कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है ये दे दे, क्योंकि एकलौता ऐसा ये टॉपिक है, ठीक है, जो आज तक ना ही 9th में आया ना 8th में आया, तो इसलिए आने के चांसेस हैं, इसलिए मैंने कराया भी है। ठीक है, तो आपको इसको कवर करना है। नेक्स्ट क्लास में मैं एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है क्या भाई, हम उसका नाम हम बताने जाएंगे, और उसका नाम है ट्रायंगल, जो कि कई बच्चों को इसका इंतजार भी होगा और बहुत अच्छा चैप्टर भी है। ठीक है, तो इसके बाद हम ट्रायंगल शुरू करेंगे 6th चैप्टर। फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिए, आज की क्लास यहीं खत्म।